एक एग्जांपल मैं देख लेता हूं दोस्तों, एक जियो का रिचार्ज यानी कि एक नॉर्मल ऐसी सर्विस जिसको हर आदमी यूज करता है, माना आपकी टीम का साइज 10,000 है और एक घर में मोबाइल का एक महीने का खर्चा रिचार्ज का 500 रुपए है, तो टोटल रिचार्ज जो आपकी टीम में हुआ वो हुआ दोस्तों 50 लाख रुपए का। और अगर 2% हमें रिचार्ज से कैशबैक मिलता है तो एक आदमी को कैशबैक आया 10 रुपए, तो टोटल टीम को कैशबैक आया दोस्तों 1 लाख रुपए, और इसका 25% होता है 25,000। ये 25,000 जब 10 लोगों में बराबर डिवाइड होगा तो दोस्तों हर आदमी को आएंगे 2,500। यानी कि सिर्फ मोबाइल रिचार्ज अगर आपकी टीम कर रही है, एक ऐसी सर्विस जिसको हमें यूज करना ही करना है, तो आप यहां से 2,500 रुपए मंथली, यानी कि अगर मैं इसको ईयर की बात करूं तो 30,000 रुपए साल के सिर्फ आप मोबाइल रिचार्ज से कमा रहे हैं, जो आपकी टीम में लोग कर रहे हैं जिनको वो आज से पहले भी कर रहे थे, लेकिन 30,000 रुपए ईयरली आप यहां से अर्न कर सकते हैं सिर्फ लोगों के मोबाइल रिचार्ज करने से। और दोस्तों जरा सोचिए, ये कैशबैक मोबाइल रिचार्ज के 10 रुपए की कहानी है। ये कैशबैक अमेज़न से भी आता है, नेक्स्ट शॉपिंग से भी आता है, टाटा स्काई से भी आता है, फ्लिपकार्ट से भी आता है, तमाम साइट से भी आता है, फ्लाइट बुकिंग से भी आएगा, जितनी भी सर्विसेज है इंश्योरेंस से भी आएगा। अगर इन सारी सर्विसेज से और इनसे कैशबैक ही आया तो दोस्तों आप यहां से 10 लाख रुपया साल का भी अर्न कर सकते हैं। यानी कि आज तक जिन कामों को करते हुए हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, आज उन्हीं कामों को करने से और आपकी टीम ऑटो मोड पे ये काम रोजाना करती है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, तो भी आप यहां से साल के 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, इवन 10 लाख, 20 लाख रुपए भी अर्न कर सकते हैं सिर्फ 1770 के एक बार मामूली से प्राइम मेंबरशिप के।